अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। ये एक आउटलाइन फिगर है ह्यूमन हार्ट का, जिसमें हम लोग चार चेंबर को देख रहे हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार चेंबर है। ऊपर देख रहे हैं वीना केवा। इस वीना केवा से इम्प्योर ब्लड इन कर रहा है। फर्स्ट इम्प्योर ब्लड कम्स फ्रॉम एंटेरियर एंड पोस्टेरियर वीना केवा इनटू द राइट एट्रियम। इस वीना केवा से इम्प्योर ब्लड एंटर करता है कहाँ, राइट एट्रियम चेम्बर में। राइट एट्रियम पम्प्स द इम्प्योर ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इस राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट एट्रियम ब्लड्स को पंप करके राइट वेंट्रिकल में इन करवाता है, जहाँ से वो पास करता है वहाँ एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर है, जिससे वो राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। कौन सा ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड। वहाँ एक बल्ब काम करता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड बल्ब। इट इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड बल्ब। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड एंटर टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी फॉर प्यूरिफिकेशन। राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये जो इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स में इम्प्योर ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ, मीन्स इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो गया। इम्प्योर ब्लड को हम लोग डीऑक्सीजनेटेड भी ब्लड बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हुआ। आफ्टर प्यूरिफिकेशन, आफ्टर प्यूरिफिकेशन प्योर ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेन। इस लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के बाद ब्लड पल्मोनरी वेन होके लेफ्ट एट्रियम में आता है। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ब्लड एंटर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। फिर हम लोग देखते हैं ये लेफ्ट एट्रियम से प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर एंड इट इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व। इट इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड वाल्व, इसको हम लोग मित्रल वाल्व भी बोलते हैं। फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल प्योर ब्लड पास आउट थ्रू एरोटा। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड एरोटा होके पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। अगर इसको हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं तो फर्स्ट एंटेरियर वेना केवा एंड पोस्टेरियर वेना केवा। फर्स्ट इम्प्योर ब्लड कम्स थ्रू एंटेरियर वेना केवा एंड पोस्टेरियर वेना केवा। देन इम्प्योर ब्लड कम्स इनटू द राइट एट्रियम। फ्रॉम राइट एट्रियम ब्लड कम्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इम्प्योर ब्लड गोज इनटू द लंग्स थ्रू पुलमोनरी आर्टरी। लंग्स पे जाके वहाँ क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। फिर प्यूरिफिकेशन के बाद फ्रॉम लंग्स प्यूरिफाइड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पुलमोनरी वेन। फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ब्लड कम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पास आउट द बॉडी थ्रू एरोटा। एरोटा से ये ब्लड मीन्स प्योर ब्लड ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। ये फ्लो चार्ट
ब्लड सर्कुलेशन का, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन।